हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसको देखने से पहले आप जाएं मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो मैं बना रही हूँ वो है तुर्किश बन कबाब। और वो मैं कैसे बना रही हूँ आप उसको देखना, स्टेप बाई स्टेप देखें, ठीक है। कैसे मैं बना रही हूँ उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये बन के चाहिए, ठीक है, बर्गर बन। और उसके साथ हमें ये सलाद चाहिए और वो भी राउंड शेप में कटी हुई। और थोड़ा सा चाट मसाला चाहिए इसको स्पाइसी लुक देने के लिए हल्का सा, क्योंकि हम देसी लोग हैं, देसी स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, नाम उसका चाहे जो मर्ज़ी हो, ठीक है। और उसके साथ ही हमें ये थोड़ी सी चीज़ चाहिए, ये मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये कबाब हैं, बीफ कबाब घर में जो मैंने बनाए थे ना, वो वाले होम मेड ये कबाब हैं, ठीक है। और ये मेरे पास पड़े हैं 3 eggs और केचप मायोनीज इसमें यूज़ होगा। और क्या करना है और कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ और आप देखें, तो आप भी इसे बनाना और खाना और इन्जॉय करना, ठीक है। और इसके लिए हमें ऑयल भी चाहिए फ्राइंग के लिए, क्योंकि एग फ्राई करना है और साथ में ये कबाब फ्राई होगा। और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है ये। हाँ जी, ये देखें ऑयल मैंने रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है। आपको मैं एक बर्गर रेडी करना बताऊँगी, ठीक है। और ऐसे ही आपने इसको रेडी करना है खाना। सबसे पहले हमें ये एग फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है, इसको हाफ फ्राई नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, तो फुल फ्राई करना है हमने अगले, मैं उसको फ्राई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद का स्टेप क्या होगा। हाँ जी, ये देखिए अभी मैं कबाब को फ्राई कर रही हूँ जस्ट थोड़े से ऑयल में, ठीक है। अंडा फ्राई कर लिया, उसको फुल फ्राई करना है, उसको हाफ फ्राई नहीं करना कि खाते हुए उसकी जल्दी बाहर ना आए, ठीक है। वैसे इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैं ना बर्गर बन को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, ठीक है। हल्का हल्का से इसको सेक लो वाला ना तवे के ऊपर ही, विदाउट ऑयल लगाना है, ठीक है। ये देखिए गरम हो चुके हैं, अभी मैं इसको उतार रही हूँ। अंडे और कबाब हमारे रेडी हैं, अब आपको मैं इसको बर्गर बन ये बन को ना बर्गर को रेडी करना दिखाती हूँ कैसे करना। हाँ जी, ये देखिए मैं अभी कच्चा मायोनीज लगा रही हूँ इसको, ठीक है। 2 slices पे मायोनीज लगेगी, ठीक है, और 2 पे लगेगी केचप। आप यहाँ पे तिक्का मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आम रूटीन में सभी के घरों में हर टाइम मौजूद होती है, ठीक है। अब इसको हमने इसके ऊपर सारे के ऊपर लगा लेना मायोनीज को करके। ये देखिए, और केचप को भी मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे, सारा फैला लेंगे। हाँ जी, अभी इसके बाद का स्टेप है, हमने ये कबाब पकड़ना है, जस्ट इसके ऊपर रखना यूं करके, ठीक है, ये दोनों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या स्टेप है, थोड़ा सा हमें चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क लेना दोनों स्लाइसिस के ऊपर यूं करके। ठीक है, और अभी हमारा है स्टेप इसके ऊपर ये सलाद लगाने का, खीरा, ठीक है, फ्यूज़ 30 slices खीरे के, और साथ में एक एक बड़ा पीस है ये टमाटर का। ये देखिए, और अभी इसके ऊपर ये मैंने काटे हैं रिंग शेप में टमाटर काटे हुए, प्याज ये रखना है, ठीक है, ये। अभी ये हमने क्या करना है, अभी ये जो हमने अंडा फ्राई किया हुआ है ये हमने इसके ऊपर रखना है जस्ट, ठीक है, यूं करके दोनों बर्गर्स के ऊपर। और अभी हमने ये चीज़ पकड़नी है, चीज़ को हमने ये एग के ऊपर से
ग्रेट कर लेना हमें। आप ग्रेट भी कर सकते हैं इसको और क्यूब में काट के भी रख सकते हैं, या पट्टी काट लें हल्की सी, ठीक है। जैसी जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी आप उसके ऊपर लगा लें, ठीक है। कैसे, और अभी हमने इसके ऊपर जस्ट इसका पीस पकड़ा और रस्से हल्के हाथ से दबा दिया, ठीक है। ये देखें गाइस, हाँ जी, ये है तुर्किश बर्गर की फाइनल लुक। और देखें जितना ये बनाने में भी इसको बहुत मज़ा आता है, और जितना बनाने में इतना मज़ा आता है ना, उतना इसको खाने में भी मज़ा आता है। और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, ठीक है। आप इसको अपने घर में बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और खूब इंजॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।